हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद रखते हो अच्छे होंगे। अगर आपका फ़ोन स्लो चलता है और इसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, इसी चीज़ को आपको फॉलो करना होगा, आगे जाके आपका फ़ोन स्लो नहीं होगा। फ़ोन को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए रैम को क्लियर रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हम देखेंगे रैम को कैसे हम क्लियर कर सकते हैं। पहले तो हम जो भी ब्राउज़र यूज़ करता है उसका हिस्ट्री क्लियर करना होगा, और वो भी कैसे करना होगा मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दूसरा है, आपका फ़ोन में पूरे दिन भर जो भी आप एप्लीकेशन को यूज़ करते हो उसका डेटा रैम स्टोर करके रख देता है। अगर उस स्टोर को आप क्लीन करते हो तो रैम क्लीन हो जाता है ऑटोमेटिकली और आपका फ़ोन स्पीड काम करना चालू हो जाएगा। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ में बेल आइकन का भी दबा देना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। तो मैं आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करके दिखाऊँगा। अगर आप क्रोम ब्राउज़र नहीं यूज़ करते हो, कोई दूसरा ऐप यूज़ करते हो, तब उसमें जाइए। उसका जैसे मैं इसका दिखाऊंगा ऐसे आपको उसमें ही मिल जाएगा। सेम मेथड आपको यूज़ करना है। ब्राउज़र ओपन करके आपको जाना है 3 डॉट पर। वहाँ से आपको चूज़ करना है हिस्ट्री। हिस्ट्री पर जा करके आपको क्लियर ब्राउजिंग डेटा में जाना है, और जो भी मैंने सर्चिंग किया दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जाना है बेसिक पर। बेसिक पर जाके जो भी हिस्ट्री यहाँ पर शो कर रहा है, अगर आप चाहते हो कि 24 आवर्स का हिस्ट्री क्लियर करना है या तो लास्ट 7-8 डेज का करना है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। मैं रिकमेंड आपको ऑल कीजिए तो आपको डेटा अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको मार्क होने के बाद क्लियर डेटा में क्लिक करना है, तो आपको क्लियर कर देना है। मैं लास्ट आवर किया हूँ और क्लियर जैसे क्लियर करता हूँ क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बेसिक। तो मैं दूसरा कोई चीज़ मैं ओपन करके आपको मैं दिखाऊंगा जो उसके एडवांस है, उसको आप कैसे डिलीट कर सकते हो। तो फिर आपको जाना है हिस्ट्री पर और जाना है आपको क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर और एडवांस पर। सेम प्रोसेस यहाँ पर आपको टिक करना है और क्लियर कर देना है। अभी आपको जाना है सेटिंग पर। सेटिंग पर सर्च बार में लिखते हैं स्टोरेज आ गया है, उसको क्लिक कर लेते हैं। फिर आ गया नीचे तो थर्ड नंबर पे आ गया ऐप्स करके। फिर यहाँ पर कोई भी एक ऐप हम सिलेक्ट कर लेते हैं, किसको ओपन करूँ, ठीक है फेसबुक को ओपन करता हूँ। MB के ऊपर फेसबुक रैम को यूज़ किया है, तो उसको क्लीन करने के बाद देखता हूँ अभी कितना रैम बचा हुआ है। इधर गया फेसबुक, अब इसे क्लियर करने के बाद कहाँ चले गए, इधर फेसबुक 165 MB। देखिए गाइस किधर 900 कितना 165। तो ऐसे करके आप हर एक ऐप को क्लिक कर करके ना रैम को क्लियर कर सकते हो। मैं फ़ोटोज़ को भी क्लियर करके दिखा था आपको, 500 के ऊपर रैम है, तो उसको देखिए 11 MB पे आ गया। 500 के ऊपर जो स्टोरेज ने यूज़ किया रखा था पर अभी 11 MB पे आ गया। तो ऐसा करके अगर आप स्टोरेज को क्लियर करते हो तो आपका फ़ोन काफ़ी पहले से स्पीड चलना चालू हो जाएगा। तो आपका आज का वीडियो मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।